माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर्स एंड थ्री ज्योमेट्री में वेक्टर्स की स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले टू डायमेंशनल वेक्टर और थ्री डायमेंशनल वेक्टर की स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लिए टू डायमेंशनल वेक्टर। टू डायमेंशनल वेक्टर, आपके पास एक ए वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप। वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। अगर आप ए वेक्टर की बात करते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस एंड j कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस। तो आई कैप x की डायरेक्शन का एक यूनिट लेंथ का वेक्टर है और j कैप y एक्सिस की डायरेक्शन का एक यूनिट लंबाई का वेक्टर है। अगर हमें ए वन आई बनाना है तो हम आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में x डायरेक्शन में वन डिस्टेंस ट्रेवल, ए वन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो आपको ये मिलेगा ए वन आई कैप। ये हमारे पास ए वन आई है और हम वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हम ए टू डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ये हमारे पास इस डायरेक्शन का यूनिट लंबाई का वेक्टर जे कैप है। जितनी लंबाई का वेक्टर हमें इस डायरेक्शन में बनाना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये ए वन आई कैप है, ये इस वेक्टर का टेल है, ये इस वेक्टर का हेड है। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को आपने कंबाइन किया, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। जब आप इनिशियल को फाइनल से मिलाएंगे तो इन इन दोनों पॉइंट के बीच में आपने जितने वेक्टर्स बनाए हैं उन सभी वेक्टर का आपको रिजल्टेंट सम मिल जाएगा। तो आप कहेंगे ये हमारे पास ए वेक्टर है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, और ये हमारे पास ए वेक्टर है। इस वेक्टर की लंबाई को, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर हम कहते हैं कि ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ये ओ बी वेक्टर की लंबाई है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये ए वेक्टर है तो आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है जो कि इसकी लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी आप लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ओ ए है ए वन, ए वन का स्क्वायर, ए बी है ए टू, ए टू का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो हमारे पास ए वेक्टर की जो लंबाई है वो आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर का सम का अंडर रूट ले लेंगे तो हमें ए वेक्टर की लंबाई मिल जाएगी। तो किसी भी वेक्टर की आप लंबाई लिख सकते हैं, उसके टू डायमेंशनल वेक्टर की लंबाई आप लिख सकते हैं उसके आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सपोज ये वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है और ये वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, या आप कह सकते हैं कि बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा है। अगर हम कहते हैं कि अगर हम इस ओए वेक्टर का, इस ओए वेक्टर का अगर हम शैडो बनाए, ऊपर से अगर हम लाइट डालते हैं उसकी शैडो बनाए, तो ओ ए वेक्टर, ए वेक्टर या ओ बी का जो शैडो बनेगा एक्स एक्सिस पर वो ये है, इतनी आपको शैडो मिलेगी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस या आई कैप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, और अगर आप यहां से लाइट लगा करके शैडो बनाते हैं तो ओबी वेक्टर की शैडो की लंबाई वाई एक्सिस पर कितनी बनेगी, इतनी लंबाई की। तो आप कह सकते हैं कि ए टू इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप और वाई एक्सिस। तो ए वन वैक्टर ए का प्रोजेक्शन है एक्स डायरेक्शन में और ए टू इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप और वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, ए वन ए टू वेक्टर ए के प्रोजेक्शन है अलोंग द आई कैप एंड जे कैप एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये उस वेक्टर की लंबाई है। अगर हम किसी वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं, अगर हम वेक्टर ए में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें, तो किसी भी वेक्टर में आप उसके उसकी लंबाई से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो हमें उसी डायरेक्शन का एक वन लंबाई का वेक्टर मिल जाएगा। तो एक वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए आपको वेक्टर ए की डायरेक्शन का एक यूनिट लेंथ का आपको वेक्टर प्रोवाइड करेगा। तो हम इसे ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ए का यूनिट वेक्टर, और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन का एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर आपको मिलता है। तो अगर हम ए कैप बनाना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो आप लिख सकते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, जिसे हम लिख सकते हैं ए वन अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए आई कैप प्लस ए टू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जे कैप, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं ए वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर आई कैप प्लस ए टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर जे कैप। तो आपने ए कैप जो कैलकुलेट किया है, ए कैप को आप लिख सकते हैं ए वन अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए आई कैप प्लस ए टू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जे कैप, या फिर आप लिख सकते हैं ए वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर आई कैप प्लस ए टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर जे कैप। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर आप ओ ए बी ट्रायंगल में अगर आप कॉस अल्फा कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस अल्फा आप लिखेंगे बेस ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए की लंबाई अपॉन ओ बी की लंबाई, कॉस अल्फा हम लिख सकते हैं, दिया जाएगा ये लंबाई हमारे पास ए वन है, ये ए वन लंबाई है और ये ए टू लंबाई है, तो हम लिख सकते हैं ए वन अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये आप लिख सकते हैं। और ये अगर बीटा है, ये लंबाई हमारे पास ए टू है, ये लंबाई हमारे पास इसके बराबर होगा। इसको अगर हम डी पॉइंट ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ओबीडी अगर आप कॉस बीटा कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस बीटा को आप लिख सकते हैं बेस ओडी डिवाइडेड बाई ओबी, और इसे आप लिख सकते हैं ए टू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ए टू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो जो ए वन अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है, इसे हम कॉस अल्फा, और ए टू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को हम कॉस बीटा लिख सकते हैं। तो ए कैप को आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप, और ए टू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को कॉस बीटा लिख सकते हैं। कॉस अल्फा को हम एल और एम से भी, कॉस अल्फा को एल से और कॉस बीटा को हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए कैप बराबर एल आई प्लस एम जे। तो आपने देखा कि जब आपने ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाया, तो आई कैप का जो कोफिशियंट है, जे कैप का जो कोफिशियंट है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस जो एंगल बनाया उसके कॉस अल्फा की वैल्यू, ए वेक्टर ने वाई एक्सिस जो एंगल बनाया उसके कॉस बीटा की वैल्यू, मतलब इनके ए वेक्टर के जो डायरेक्शंस हैं, जो एंगल्स हैं, उनके कोसाइन की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो आप कहते हैं कि
ए का जब आपने यूनिट वेक्टर बनाया तो आई का कोफिशिएंट आपको देगा कॉस अल्फा, जहां पर अल्फा उस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल है, और ये कॉस बीटा जहां पर बीटा उस वेक्टर का जे जे कैप एक्सिस या वाई एक्सिस से बना हुआ एंगल है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये उसके डायरेक्शनल कोसाइंस है। तो एल एंड एम आर डायरेक्शनल कोसाइंस, डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। तो जब आप ए वेक्टर लेते हैं, जब कोई आप वेक्टर लेते हैं, जैसे आपके पास ये ए वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे, तो आप कहते हैं ए वन ए टू इस वेक्टर ए के प्रोजेक्शन है। ए वन एंड ए टू आर, ए वन एंड ए टू आर प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। और जब आप ए कैप बनाते हैं, ए कैप बनाते हैं, जब आप यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, तो आपको मिलता है एल आई प्लस एम जे। तो जब आप यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो आई कैप और जे कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं, तो एल एंड एम आर डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो जो प्रोजेक्शन है उनको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे डायरेक्शनल रेशियोज हैं। जो प्रोजेक्शन है उनको हम लोग कहते हैं कि ये डी आर है, ए वन एंड ए टू आर डी आर, ए वन एंड ए टू आर प्रोजेक्शन ऑफ, ये आप कह सकते हैं डी आर, डायरेक्शनल रेशियोज बोलते हैं, डायरेक्शनल रेशियोज डी आर ऑफ वैक्टर ए। ए वन एंड ए टू आर डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ वेक्टर ए। तो जब कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं होता है तो आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट उस वेक्टर के डायरेक्शनल रेशियोज, या आप कह सकते हैं उस वेक्टर के रिस्पेक्टिव एक्सिस में प्रोजेक्शंस हैं। और जब आपने उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लिया, तब आप कहते हैं कि वो उस वेक्टर के रिस्पेक्टिव एक्सिस के डायरेक्शनल कोसाइंस हैं। आई कैप का कोफिशिएंट कॉस अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जे कैप का कोफिशिएंट कॉस बीटा की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जहां पर अल्फा और बीटा एक्स और वाई एक्सिस से बने हुए उस वेक्टर के एंगल से। ये हमारे पास टू डायमेंशनल वेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग थ्री डायमेंशनल वेक्टर पर आते हैं। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल वेक्टर। थ्री डायमेंशनल वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। ये हमारे पास आई कैप एक्सिस है, ये हमारे पास वाई या जे कैप एक्सिस है, और ये हमारे पास के कैप। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। आपको ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के बनाना है। तो हम ए वन डिस्टेंस आई कैप के लॉन्ग हम ए वन डिस्टेंस चलेंगे, तो ये आपको मिलेगा ए वन आई कैप। फिर हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो हम अब j
जे कैप की डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ए टू डिस्टेंस चलेंगे। तो ये हमारे पास ए टू जे है, ए टू डिस्टेंस चले। तो आप ए वन डिस्टेंस ऐसे गए, फिर हम ए टू डिस्टेंस ऐसे जा रहे हैं, ये हमारे पास ये ए टू है, और फिर हम इसके बाद ए थ्री डिस्टेंस, मतलब ए वन फिर ए टू और ये फिर ए थ्री, यहां पर आप जाएंगे, फिर हम ए थ्री डिस्टेंस, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, जो आपको यहां पर नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर हम यहां से ए थ्री डिस्टेंस गए हैं ए थ्री के, और ये आप इनिशियल पॉइंट है, इसको हमने ए लिखा है, इसको हमने बी लिखा है और इसको हमने सी लिखा है, और ये इनिशियल को आपने फाइनल से मिलाया, ये आपने इनिशियल को फाइनल से मिलाया, इनिशियल को फाइनल से मिलाया। ये हमारे पास ए वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये हमारे पास ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। ये हमारे पास सी पॉइंट है, वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। तो आप ओ पॉइंट से चलना आपने स्टार्ट किया, आई कैप की डायरेक्शन में ए वन डिस्टेंस चले, फिर जे कैप की डायरेक्शन में आप ए टू डिस्टेंस चले, फिर के कैप की डायरेक्शन में, फिर के कैप की डायरेक्शन में आप ए थ्री डिस्टेंस चले। तो यहां से ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है, इसको आपने इनिशियल इनिशियल को फाइनल से मिलाया। तो आप देखिए ओ ए और ए बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और ए बी और बी सी के बीच का एंगल, ए बी और बी सी के बीच का एंगल ये भी 90 डिग्री है, ए बी और बी सी के बीच का एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आप इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा, ये एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा, ये एंगल 90 डिग्री है। ये हमारे पास ओ, ये ए, ये बी और ये सी, तो ओ को बी से मिलाएंगे तो ओ बी और बी सी, ओ बी और बी सी परपेंडिकुलर होंगे, ओ बी और बी सी परपेंडिकुलर होंगे, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर आप ओ ए बी ट्रायंगल की बात करते हो, ये लंबाई है ए वन, ये लंबाई है ए टू, तो आप ओ बी निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी आप लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए की वैल्यू ए वन और ए बी की वैल्यू ए टू। तो आप लिख सकते हैं ओ बी बराबर अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी बी अगर आप देखते हैं तो ये 90 डिग्री और ये उसके सामने का साइड हाइपोटेनियस, ये ए वेक्टर, इसका मॉडुलस मतलब इस वेक्टर की लंबाई। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ सी बी, आप लिख सकते हैं ओ सी स्क्वायर बराबर लेंथ ऑफ ओ सी, आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ओ सी मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर ये लंबाई, ओ बी आप निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायरिंग करेंगे ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, और बी सी की लंबाई है ए थ्री। तो आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये उस वेक्टर की लंबाई है अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो जैसे आप टू डायमेंशनल वेक्टर की लंबाई निकालते हैं तो उसी तरीके से आप थ्री डायमेंशनल वेक्टर की लंबाई लिख सकते हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर है, अगर ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस जो एंगल बनाया है वो एंगल अल्फा है, ए वेक्टर ने वाई एक्सिस जो एंगल बनाया है ये एंगल बीटा है, और ए वेक्टर ने जेड एक्सिस जो एंगल बनाया वो एंगल गामा है। तो ये कंडीशन है हमारे पास। अब ये ए वेक्टर अगर हम किसी वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए कैप बराबर
वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो आप लिख सकते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो आप लिख सकते हैं ए वन अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए आई कैप ए टू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जे कैप प्लस ए थ्री अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के कैप। सो ए कैप बराबर ए वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर आई कैप प्लस ए टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर जे कैप प्लस ए थ्री अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर के कैप। तो आप इसे जैसे टू डायमेंशनल में आपने लिखा था ए कैप बराबर कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ए कैप बराबर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के एल एम एन आर डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। एल एम एंड एन आर डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। तो अगर आप ए वेक्टर लिखते हैं तो जैसे आपने कहा कि हमारे पास ए वेक्टर है ए वेक्टर बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, तो यहां पर अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो ए वन ए टू ए थ्री आर डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ वेक्टर ए, या आप कह सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री आर प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट उसके डायरेक्शनल कोसाइंस हैं, और अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं है तो ए वन आई कैप की डायरेक्शन का ए टू जे कैप की डायरेक्शन का और ए थ्री के कैप की डायरेक्शन का डायरेक्शनल रेशियो है, आप कह सकते हैं ए वेक्टर के ए वन ए टू ए थ्री रिस्पेक्टिव एक्सिस पर प्रोजेक्शन है। अब जैसे आपने ये लिखा है वेक्टर ए, आपने लिखा है वेक्टर ए कैप बराबर कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, या आप लिख सकते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अगर आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की लंबाई वन होती है तो हम लिख सकते हैं वन बराबर अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दो तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो वन बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहां से आपके पास रिजल्ट आया कि किसी वेक्टर के डायरेक्शनल कोसाइंस के स्क्वायर का सम वन होता है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन, या आप इस रिजल्ट को कॉस स्क्वायर अल्फा के रिजल्ट को साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट करें तो आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस
साइन स्क्वायर गामा बराबर वन, तो आप यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर टू, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर टू। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर वन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर वन, या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर टू। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए हो तो उनके डायरेक्शनल कोसाइंस के स्क्वायर का सम वन होता है। अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शनल कोसाइंस आपको पता है, मतलब एल का मतलब कॉस अल्फा, एम का मतलब कॉस बीटा, एन का मतलब कॉस गामा, जहां पर अल्फा बीटा गामा उस वेक्टर के एक्स वाई जेड एक्सिस से बने हुए एंगल्स हैं। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया गया है, कोई वेक्टर दिया गया और वो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स उस ए वेक्टर के एक्स वाई जेड एक्सिस के प्रोजेक्शंस हैं, या आप कह सकते हो कि ये उस वेक्टर के डायरेक्शनल रेशियोज हैं। और जैसे ही आप यूनिट वेक्टर बना लेंगे, तो यूनिट वेक्टर बनने के बाद आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट उस वेक्टर के एक्स वाई जेड एक्सिस से बने हुए एंगल्स के कोसाइंस की वैल्यू आपको मिलेंगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिसको हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको अब याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर दिया गया है तो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट उस वेक्टर के प्रोजेक्शंस हैं रिस्पेक्टिव एक्सिस पर, और अगर यूनिट वेक्टर दिया गया है तो वो उसके डायरेक्शनल कोसाइंस हैं, और किसी वेक्टर के डायरेक्शनल कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा वन होता है।